हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास को। बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है चलिए जानते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको हम यू डिफाइन करते हैं, द पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट विच ऑल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज थॉट टू बी कंसंट्रेटेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जहां पे ये समझा जाता है कि बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। बच्चों, ये ऐसा पॉइंट होता है कि अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी बिना रोटेट किए आगे की तरफ बढ़ती है, मूव करती है, उसमें रोटेशन नहीं आती। कैसे, अभी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। कि ये एक बॉडी में ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी बिना रोटेट किए, बिना टर्न किए आगे को बढ़ती है, ठीक है, मूव करती है विदाउट रोटेशन। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब इसको हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, दो स्फीयर ले लें, एक लाइट है और एक हैवी है, ठीक है, साइज में भी देखें ये बड़ा है और ये छोटा है। इन दोनों को एक लाइट सी रॉड से अटैच कर दें, इसको हमने नाम दिया ए का, इसको हमने नाम दिया बी का, ठीक है। अब इसके ऊपर कहीं एक पॉइंट ओ होगा सेंटर ऑफ मास, कि जहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी बिना रोटेट हुए आगे को बढ़ेगी, मूव करेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने सपोज कर लिया ये पॉइंट ओ जो है ना, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। हमने इसको यहां इस तरह से सेट किया वर्टिकल पोजीशन में। अगर इसके इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी बिना टर्न के, यानी ऐसे टर्न नहीं करेगी और ना ही ऐसे टर्न करेगी, रोटेट नहीं होगी, ऐसे स्ट्रेट मूव करती हुई आगे जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई हो रही हो तो। अब क्या सेंटर ऑफ मास से ऊपर या सेंटर ऑफ मास से नीचे अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो क्या फिर भी बॉडी स्ट्रेट मूव करेगी या नहीं, चलिए जानते हैं। अब देखें, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो बॉडी टर्न कर जाएगी, इसमें रोटेशन आ जाएगी, ठीक है। देखें, यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, बॉडी इस तरफ को टर्न कर जाएगी, राइट। इसी तरह अगर मैं सेंटर ऑफ मास से नीचे किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो फिर भी बॉडी टर्न करेगी। अगर मैंने सेंटर ऑफ मास से ऊपर फोर्स अप्लाई की थी तो बॉडी ऐसे टर्न की। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास से नीचे कहीं फोर्स अप्लाई करता हूं तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो बॉडी ऐसे बैकवर्ड टर्न करेगी पीछे की तरफ। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा एरो का निशान, ठीक है, तो बॉडी ऐसे बैकवर्ड टर्न करती है। तो बच्चों, याद रखो कि सेंटर ऑफ मास ही एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर कि जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी बिना टर्न किए, बिना रोटेट किए आगे को बढ़ती है, मूव करती है, ठीक है। और अगर इसके अलावा किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी टर्न कर जाती है। जैसे यहां पर देखें, इस सेंटर ऑफ मास से ऊपर फोर्स लगाई तभी बॉडी टर्न कर गई, रोटेट हो गई, और इस सेंटर ऑफ मास से नीचे अगर फोर्स लगाएं तब भी बॉडी टर्न कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी।